हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, राइट टू इंटरनेट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि राइट टू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ना इसको समझने के से पहले पहले हम बैकग्राउंड को समझेंगे कि ये अभी न्यूज़ में क्यों है, राइट टू इंटरनेट। आई एम जी राजपूत, एन एक्स पुलिस ऑफिसर, एंड यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ, किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो तो प्लीज़ कर लीजिए। देखिए, अगस्त 5 बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अगस्त 5 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में, एंड आर्टिकल 370 हटाने के बाद, अगर किसी को ये वाला क्लास देखना है आर्टिकल 370 क्या है, कैसे हटाया गया है, तो मैंने एक अलग से क्लास बनाई हुई है, उसको भी देख लीजिएगा। तो आर्टिकल 370 हटाने के बाद कि कोई गतिविधियां जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में गलत तरीके की ना हो जाएं, लोग सड़कों के ऊपर ना उतर जाएं, ठीक है, लोगों के बीच में आक्रोश जो था वो एकदम से बाहर ना आ जाए, तो इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई जम्मू एंड कश्मीर में। तो आज की डेट में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ चुका है, अब तक वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये लोग बेसिकली पोस्ट, ये लैपटॉप्स हैं लोगों के हाथ में, एंड हाथ में ये लिखा हुआ है 100 डेज नो इंटरनेट। अब तो 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये मैंने पुरानी एक पिक निकाली इंटरनेट से आपको दिखाने के लिए। ये हालात हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आज की डेट में भी थोड़ा सा सुधार आया है हालातों में, मोर और लेस इसी तरह के हालात हैं, लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दाखिल कर दिया इसको लेके कि हमें इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाई जाए। सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है, एंड इस चीज़ को लेके लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, एंड सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट आया है इस चीज़ को लेके, तो उसको समझेंगे हम डिटेल में, क्या वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, एंड ये जो चीज़ है इंटरनेट की फैसिलिटी, क्या सरकार छीन सकती है कि नहीं छीन सकती, अगर छीन सकती है तो कैसे छीन सकती है, कौन से ऐसे कानून हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंडर इंटरनेट की सुविधा जो लोगों को दी जाती है वो छीनी जा सकती है, तो वो समझेंगे। तो इन लोगों को भी अभी सरकार ने बंदी बनाया हुआ है। महबूबा मुफ्ती हैं, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, जिनको अभी हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि ये लोग बाहर आके लोगों के बीच में जो भी आक्रोश है, जहां भी लोगों को मोबिलाइज ना कर पाए हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ। अभी ये जो पिटिशन दाखिल की गई थी उसमें जस्टिस वी रमन्ना ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू द इंटरनेट अंडर आर्टिकल 19। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू इंटरनेट कहां से फ्लो होता है। इन्होंने बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हां, सरकार को अधिकार तो है कि लोगों के राइट्स छीन सके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के अधिकारों को सरकार कुचले बहुत ज्यादा। ये भी जरूरी है कि सरकार ने सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, बट सिक्योरिटी मेंटेन करते करते लोगों के अधिकारों का भी ध्यान में रखना होगा सरकार को। सो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये बोला है कि जो लोगों के अधिकार हैं वो तभी छीने जाने चाहिए जब कोई और ऑप्शन ना बची हो। द फ्रीडम कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर रेलिवेंट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एंड ओनली इफ देर इज नो अदर ऑप्शन। ऐसा नहीं है सीधा सीधा आप इंटरनेट बंद कर दीजिए, लोगों को जेल में डाल दीजिए, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं आप, बट ये एंड में यूज करनी है, बाकी सारा चीजें ट्राई करके। अभी इंटरनेट कैसे बंद किया जा सकता है, ये कौन से कानून है, एंड क्या प्रोसीजर बेसिकली फॉलो होना चाहिए। देखिए, हमारे पास 3 तरह के कानून हैं जो ये बताते हैं कि इंटरनेट कैसे लिया जा सकता है लोगों से, इंटरनेट की वो यूज़ ना कर पाए। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, सेकंड इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
1973, और तीसरा कानून है टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो ये तीन कानून हैं जो डील करते हैं सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, कि इंटरनेट सर्विसेज को कैसे सस्पेंड किया जाना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि सबसे आसान इनमें से कौन सा कानून लगाने वाला है, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, 1973। इसका एक सेक्शन है सेक्शन 144, ये सेक्शन 14 लिखा गया है, ये गलत है, दिस इज सेक्शन 144। सेक्शन 144 को आप इमीडिएटली अप्लाई करके इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा मत कीजिए। इसी चक्कर में सरकार ने 2017 में क्या किया, एक अलग तरह के रूल्स बना दिए। किस कानून के अंडर ये रूल बनाए गए, टेलीग्राफ एक्ट के अंडर ये कानून बनाए गए कि प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए अगर आपने इंटरनेट की सुविधाओं को सस्पेंड करना है, अगर आपने बंद करना है। तो कौन सा ये कानून है, तो सेंटर की सरकार ने नोटिफाई किया टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल्स अंडर द टेलीग्राफ एक्ट। तो इस कानून के अंडर, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज के अंडर, एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया कि किस तरह से आप इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। ये बेसिकली ये रूल कहां से डिराइव होता है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि इंटरनेट किस कानून के अंदर बंद किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, और रूल कब आए, 2017 में। बट सरकार जनरली इसको इग्नोर कर देती है, 2017 के रूल्स को। सरकार बेसिकली कौन सा सेक्शन लगा देती है, सीआरपीसी का सेक्शन 144, क्योंकि ये लगाना बहुत आसान है, क्योंकि जो प्रोसीजर्स हैं प्रोसीजर में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। लगाने से पहले एक कमेटी होगी, वो कमेटी ये तय करेगी कि सिचुएशन कैसी है ग्राउंड पे, क्या इंटरनेट की सुविधा बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे मापदंड देखे जाते हैं जब भी इंटरनेट की सुविधा को बंद किया जाएगा, और इंटरनेट की सुविधा को बंद करने के लिए 2017 के रूल्स ये भी कहते हैं कि आपको सेक्रेटरी, जो होम मंत्रालय के होंगे, उन्हीं को बेसिकली अधिकार होगा ये सस्पेंशन को अलाउ करने का। तो ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है 2017 के जो रूल्स आए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट कहती है अब 2017 के रूल्स के हिसाब से बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट बंद हुआ है वो सही है कि नहीं है। कहने का क्या मतलब है, आप इसको क्या करें, आप इसको रिव्यू करें, एंड फ्यूचर में अगर आपने इंटरनेट बंद करना है ना, तो 2017 के जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ली जाए, नहीं तो रूल्स को मत, मतलब इग्नोर कीजिए, एंड सीधा सीधा इंटरनेट मत छीनिए। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इंटरनेट की वजह से आप ये लेक्चर देख पा रहे हो। इंटरनेट आज की डेट में पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए एंड एक अटोनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। एंड ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस कमेटी से आप कंफर्मेशन लोगे वो एक फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड वो जो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, रिव्यूइंग अथॉरिटी होगी, जब आप इंटरनेट को बंद करेंगे वो ग्राउंड पे जाके सर्कमस्टांसेस को अच्छी तरह से देखे और परखे, क्या इंटरनेट बंद करने की जरूरत है या नहीं है, अगर है तो कितनी देर तक है, एंड कब तक इसको रखना चाहिए इंटरनेट को बंद करके। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्लास। इस क्लास में आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। प्लस इस क्लास के ऊपर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैजिका के ऊपर जाके आप वेबसाइट विजिट कीजिए, brainyias.com। वेबसाइट पे जाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आंसर राइटिंग को करना है रियल टाइम कंडीशंस में। बाकी किसी भी चीज़ का डाउट हो आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 84594। सो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर। सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।